आज फिर से एक न्यू वैकेंसी आ गया है पटना हाई कोर्ट की तरफ से। इसका नोटिफिकेशन भी आउट हो गया है और इसका ऑनलाइन आवेदन भी स्टार्ट हो गया है। तो इस वीडियो को हम पूरा जानकारी देने वाले हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, इसका टोटल पोस्ट क्या रहने वाला है और कौन से पद पर इसका वैकेंसी निकाला गया है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसको भी ज्वाइन हो जाइए ताकि वो सबसे पहले अपडेट मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा कंप्लीट जानकारी को हम देते हैं कि आखिर इसके में एज लिमिट क्या रहने वाला है, इसके में क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेट के बारे में कि आखिर इसका डेट कब तक है अप्लाई करने का और अप्लीकेशन फ़ी का। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका डेट भी दिया गया है, अप्लीकेशन स्टार्ट डेट यहाँ पर रहने वाला है 28/8/2023 इसका अप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है और इसका अप्लीकेशन का लास्ट डेट रहने वाला है यहाँ पर 18/9/2023 तक। इसका पेमेंट फी जमा करने का है लास्ट डेट 20/9/2023 तक और इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम इसका है जो लिया जाएगा, इसका भी डेट नहीं आया है। और इसका अप्लीकेशन फी रहने वाला है URBC EBC EWS के लिए यहाँ पर 1100 रुपया लगने वाला है, SC ST OH के लिए यहाँ पर 550 रुपया रहने वाला है। तो आगे बात करते हैं पोस्ट के बारे में, जैसे इसका टोटल पोस्ट क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका टोटल पोस्ट 36 पोस्ट यहाँ पर दिया गया है और ये पद का नाम है PA यानी पर्सनल असिस्टेंट। इसका पद का नाम है पर्सनल असिस्टेंट जिसका एज लिमिट यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं एज लिमिट इसका है 1/1/2023 तक, यानी मिनिमम एज है जो 18 वर्ष होना चाहिए 1/1/2023 तक और मैक्सिमम एज 37 वर्ष तक होना चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट 18 वर्ष का हो चुके हैं तो इस फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि आखिर इसमें क्वालिफिकेशन क्या खोज रहा है जो। तो यहाँ पर इसका क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका पहला क्वालिफिकेशन इसमें खोज रहा है ग्रेजुएशन पास रहना चाहिए और दूसरा में दिया गया है यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड इंग्लिश टाइपिंग का यहाँ पर रहना चाहिए, यानी कि सर्टिफिकेट है जो शॉर्ट हैंड का रहना चाहिए और टाइपिंग का रहना चाहिए जो भी इंग्लिश में। यहाँ पर तीसरा नंबर दिया गया है डिप्लोमा का सर्टिफिकेट रहना चाहिए जो कि यहाँ पर 6 मंथ का होना चाहिए। फिर आगे यहाँ पर दिया गया है चौथा नंबर में, यहाँ पर चौथा नंबर दिया गया है इंग्लिश शॉर्ट हैंड कंप्यूटर टाइपिंग रहना चाहिए, वो भी 100 वर्ड पर मिनट, 400 वर्ड ओनली आई एट द रेट ऑफ 100 वर्ड पर मिनट इन 4 मिनट में, तो यहाँ पर इसका दिया गया है। फिर यहाँ पर बी में दिया गया है इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट विथ स्पीड ऑफ 40 वर्ड पर मिनट, यानी कि टाइपिंग टेस्ट इसमें इंग्लिश का रहेगा 40 वर्ड पर मिनट अगर आपका है तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर इसको कैटेगरी वाइज यहाँ पर पोस्ट दिया गया है कि कौन कौन से कैटेगरी में कितना पोस्ट यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका पद का नाम दिया गया है पर्सनल असिस्टेंट। तो यहाँ पर UR में इसका पोस्ट दिया गया है 15 पोस्ट और यहाँ पर SC में इसका दिया गया है 6 पोस्ट और यहाँ पर ST में इसका 1 पोस्ट दिया गया है, EBC में इसका पोस्ट 7 पोस्ट दिया गया है। बाकी यहाँ पर नीचे यहाँ पर देख सकते हैं नीचे यहाँ पर BC में इसका 4 पोस्ट दिया गया है और EWS में इसका 3 पोस्ट दिया गया है, टोटल में अगर 36 पोस्ट हो गया। तो आपको अप्लाई कैसे करना है तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको हम बतलाते हैं कैसे इसको अप्लाई करना है, कहाँ से अप्लाई करना है। तो फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल के गूगल या क्रोम में जाना है और यहाँ पर सर्च बार आपको लिखना होगा फास्ट जॉब, तो इस तरह का लिखकर आपको सर्च मारना है। तो आप जैसे ही सर्च मारते हैं फास्ट जॉब सर्च लिखकर फिर आपको नीचे आना है, फिर यहाँ पर आपको फास्ट जॉब सर्च का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं फास्ट जॉब सर्च का, तो इसी पर आपको क्लिक करना है। तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फास्ट जॉब सर्च का ऑफिशियल वेबसाइट खुल कर आता है, फिर आपको नीचे का स्क्रॉल ऑन करते हुए जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू अपडेट में यहाँ पर नीचे यहाँ पर दिया गया है, यहाँ देख सकते हैं पटना हाई कोर्ट PA वैकेंसी 2023, तो आपको इसी पर क्लिक करना है। तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं आपको कुछ इस तरह इंटरफेस देखने को मिलता है, फिर से आपको नीचे आ जाना है, मैं स्क्रॉल करते हुए सबसे नीचे आ जाना है और फिर यहाँ पर देख सकते हैं इसका लिंक है यहाँ पर दिया गया है,
यहाँ पर देख सकते हैं किसका अप्लाई करने का यहाँ पर लिंक दिया गया है, तो यहाँ पर इसे क्लिक करके अपना अप्लाई भी कर सकते हैं। और यहाँ पर एप्लीकेशन लॉगिन का यहाँ पर लिंक दिया गया है, और यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन का यहाँ पर लिंक दिया गया है, तो आप नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए किसी भी तरह का अपडेट पाने के लिए।